औद्योगिक क्षेत्र में वर्षों से प्रदूषण की मार झेल रहे ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। इसकी बानगी शुक्रवार को मोंगिया के नए प्लांट को लगाने के लिए आयोजित जनसुनवाई में देखने को मिली। जनसुनवाई में गिरिडीह औद्योगिक इलाके के लोगों ने नए प्लांट का खुलकर विरोध किया। प्रदूषण विभाग की जनसुनवाई कार्यक्रम में इसे लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों और मोंगिया ग्रुप के मालिक गुणवंत सिंह को ग्रामीणों ने खूब खरी खोटी सुनाई। साहब को रिपोर्टिंग करेंगे, डीसी साहब आदेश निकालेंगे, पेपर में जो जाएगा ये स्थगित कर दी गई। यहाँ पर लिखित का कोई प्रावधान नहीं है। अब एक लिखित दे दीजिए और जो बात है सो बात के एक बात है, प्लांट यहाँ नहीं लगेगा। जो हमारे क्लियर और भरमान हमको चाहिए, आपसे अनुरोध है कि बार हम लोग गाँव घूमिए, नदी नाला घूमिए, आपसे ही अनुरोध है। बस बस आपसे हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। यहाँ हम लोग कोई जगह दिक्कत नहीं है, खाली एक बार गांव घूमिए, नदी नाला घूमिए, आपसे वो लिखित चाहिए बस। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित दुर्गा माता मंदिर स्कूल प्रांगण में शुक्रवार को जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अधिकारियों के सामने खूब नारेबाजी की। ग्रामीणों ने साफ कहा कि वे प्रस्तावित DRI प्लांट किसी भी हाल में नहीं लगने देंगे। ग्रामीणों का रुख देखते हुए प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया, उनकी शिकायतों को नोट किया और वहां से बैरंग लौट आए। आज मोंगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड के ओर से जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था मोहनपुर दुर्गा मंदिर स्कूल में। ये DRI प्लांट लगाने के लिए और इंजेक्शन वगैरह कौन सा प्लांट और लगने वाला है, प्लांट का विस्तार हो रहा है, वो सभी ग्रामीणों ने ये स्पॉन्ज प्लांट लगाने में पुरजोर विरोध किया और ये भी बोला कि कुछ भी हो जाए हम लोग ये DRI प्लांट लगने नहीं देंगे, जान दे देंगे लेकिन इसका विरोध करेंगे। ये लोग ये स्वर में विरोध किया जो हम लोग पहले से ही प्रदूषण का मार झेल रहे हैं और अब यदि होगा तो हम लोग को गांव छोड़ करके पलायन कर जाना पड़ेगा। कारण यह है इतना प्रदूषण फैला हुआ है जो हमारा फसल उग नहीं पाता है, हमारा भूगर्भ जल दोहन करके एकदम सारा नल चापा नल सुखा दिया। तो इन लोग है जो कहीं जहां पानी का स्रोत होता है वहां से 1000 फीट गहराई से पानी ले लेता है, लेकिन हम ग्रामीण जनता कहाँ जाएंगे। ये तो ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए चापा नल है, न कि प्लांट लगाने के लिए। तो इसलिए हम लोग पूरे ग्रामीण यहाँ प्लांट प्रदूषण वाला नहीं लगे इसका विरोध। आसपास के 8 गांव के लोग आए हैं। दरअसल गिरिडीह सदर प्रखंड के चतरो मौजा में मेसर्स मोंगिया एंड पावर प्लांट लिमिटेड द्वारा स्पंज आयरन यूनिट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, DRI कीलन स्थापित करने, इंडक्शन फर्नेस के साथ रीहीटिंग फर्नेस, TMT बार प्रोडक्शन के लिए रोलिंग मिल और 25 मेगावाट का एक कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके मद्देनज़र प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा पर्यावरणीय लोक सुनवाई का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में परिषद मुख्यालय से आए पर्यावरण अभियंता आशुतोष के अलावा कई पदाधिकारी और मोंगिया समूह के चेयरमैन गुणवंत सिंह मौजूद थे। जन सुनवाई के दौरान पदाधिकारियों ने स्थानीय लोगों से राय मांगी। इस दौरान मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि DRI स्पॉन्ज प्लांट नहीं लगेगा। लोगों का कहना था कि यहाँ के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, बच्चे दिव्यांग पैदा ले रहे हैं, जमीन बंजर हो चुकी है, लोग बीमार हो रहे हैं, अब क्या लोग इसके इलाके से भी भाग जाएं? कार्यक्रम के दौरान मौजूद मोंगिया स्टील के निदेशक गुणवंत सिंह ने विरोध जता रहे ग्रामीणों को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, पर ग्रामीणों ने उनकी एक न सुनी बल्कि उन्हें बोलने से भी रोक दिया। ग्रामीणों ने उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के पर्यावरण अभियंता आशुतोष ने कहा कि जनता से राय ली गई है, सभी ने कहा है कि फैक्ट्री के कारण इस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है,
और लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जनता की बातों को नोट किया गया है। वहीं उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा है कि यहां पर DRI प्लांट नहीं लगना चाहिए। इस बात को नोट किया जाए और यही रिपोर्ट आगे भी जाए।